हेलो सो गाइस, वेलकम बैक यू ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि मंडे के दिन इसमें आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और अगले हफ्ते के लिए आप किस तरह से इनमें पोजिशन बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारा जो कल का वीडियो था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज के दिन मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी और पॉजिटिव मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए और सेम चीज़ आज के दिन आपको दिखाई पड़ी। यहाँ पर शुरुआत में मार्केट जरूर एक बार नीचे की ओर गिर गया था, लेकिन इसके बाद सारी की सारी रिकवर हो गया और इसके बाद आप लास्ट में देखोगे तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है और जो लास्ट में क्लोजिंग हुई है ये 18,200 के ऊपर हुई है। ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन हम यहाँ पर डे कैंडल्स के ऊपर देखते हैं तो मैंने आपको कई बार हमारे जितने भी लास्ट हफ्ते के वीडियो आए हैं सारे के सारे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में निफ्टी 50 का 18,100 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है और वो लेवल आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली आ चुकी थी। और दूसरी चीज़, मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि मार्केट में जो दूसरा इनका एक सपोर्ट बनता है वो ये वाला है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन गाइस, निफ्टी 50 के डे कैंडल्स के ऊपर यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमने लास्ट हफ्ते में जितने भी वीडियो पोस्ट किए थे सारे के सारे वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी 50 का 18,100 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है और वहाँ से आपको बाउंस बैक करता हुआ निफ्टी 50 दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हमने आपको ये भी बोला था कि निफ्टी 50 में ये जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और दूसरी चीज़, हमने आपको ये भी बताया था कि निफ्टी 50 में ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इनका एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करेगा नीचे की ओर तो आपको ये वाला लेवल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन आप यहाँ पर नोट करोगे तो जैसे ही 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग को मार्केट ने यहाँ पर टच किया, एक बाउंस बैक आता हुआ हमें दिखाई पड़ा और ये एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है लास्ट में इनको बुलिश डोजी कैंडल बोला जाता है। ये सेम कैंडल आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर ये कैंडल्स हमें दिखाई पड़ रही थी, इसके बाद देखिए मार्केट में क्या हुआ था। तो यहाँ पर भी हमें सेम कैंडल्स दिखाई पड़ी और इसके बाद आपको मार्केट में अप ट्रेंड जरूर दिखाई पड़ेगा। और मेरे जो वीकली व्यू के वीडियो आते हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में जाती है या अप ट्रेंड में जाती है तो बीच बीच में आपके छोटे छोटे करेक्शन आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर से देखोगे तो मार्केट चली थी, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन हमें दिखाई पड़ा, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गए तो फिर हमें यहाँ पर एक करेक्शन दिखाई पड़ा, इसके बाद मार्केट यहाँ से आपको ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगा। ये मैंने आपको कहीं वीडियो में बताया है। तो गाइस, अब मंडे के दिन हमें निफ्टी 50 में अगर ट्रेड लेने का है तो किस तरह से हम ले सकते हैं इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर। तो मंडे के दिन निफ्टी 50 आपको हो सकता है शुरुआत में जो कि 9:15 पे मार्केट ओपन होगी, इसके बाद यहाँ से निफ्टी 50 हो सकता है थोड़ा गिर जाए, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो निफ्टी 50 आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रखने की है? तो गाइज, मंडे के दिन आपको पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करनी चाहिए और मंडे के दिन आपको पॉजिटिव मार्केट दिखाई पड़ेगी। हो सकता है मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद तुरंत एक बार नीचे गिरे, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इसके बाद मार्केट आपको डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में जाती हुई मंडे के दिन दिखाई पड़ेगी। तो हमें क्या करने का है, जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद ये लेवल पे मार्केट अगर आती है तो हमें सीधा यहाँ पर 18,200 का एक कॉल को बाय करने का है, ठीक है। अगर आप इनको चाहो तो 18,250 का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो और इसके बाद ये जो हमने ट्रेड लिया ये मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत, जो लोग मार्केट में ट्रेड लेने चाहते इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस ट्रेड को हमें
45 मिनट तक हमें होल्ड करके रखने का है, वहाँ तक हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है हमें लेकर निकल जाने का है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने का है कि क्या प्राइस एक्शन होता है। जो 10 बजे तक आप इनको होल्ड करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मार्केट में अब कौन सा ट्रेंड आएगा। देखिए आज का मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, आज यहाँ पर मार्केट थोड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, इसके बाद आप देखोगे तो सडनली आप मार्केट यहाँ से गिरती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आपने अगर 10 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लिया और होल्ड किया होता तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बुलिश हैमर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो और इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई है। अगर इस तरह की चार्ट पैटर्न हमें 10 बजे के आसपास अगर दिखाई पड़ती है तो हम अगर चाहे तो अगर दूसरा भी ट्रेड ले सकते हो, और ये स्ट्राइक प्राइस 18,250 का भी आप रख सकते हो या तो फिर 18,300 का भी आप रख सकते हो, और इस ट्रेड को आप डेफिनेटली एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से आप मंडे के दिन निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम मंडे के दिन किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं सीधे यहाँ पर निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर, और हमने यहाँ पर वन डे की कैंडल्स को लगाए हुआ है। तो गाइस जैसे निफ्टी 50 की चार्ट पैटर्न थी, सेम चार्ट पैटर्न आपको बैंक निफ्टी की भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ जितना निफ्टी 50 में हुआ है। तो अगर आप लास्ट की ये कैंडल्स को अगर देखोगे तो ये कैंडल्स को बोलते हैं बुलिश डोजी कैंडल, और इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हो सकता है मंडे के दिन मार्केट आपको पॉजिटिव दिखाई पड़े और आपको मंडे के दिन पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट भी करनी चाहिए। और इस तरह की कैंडल्स आप देखोगे तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ी थी, और इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर गई थी, और इसके बाद हमें ये कैंडल यहाँ पर दिखाई पड़ी। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, जाने वाली है, कन्फर्म है। और मेरा जितने भी वीडियोस आते हैं लास्ट के हफ्ते में, ये सारे के सारे वीडियो में मैंने आपको एक बात बोला है कि बैंक निफ्टी 44,000 का जो ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इनको आसानी के साथ ब्रेक नहीं करेगा। जिन भाई लोगों को अगर ये बात मेरी याद है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। गाइस आप यहां पर बैंक निफ्टी को लास्ट के एक महीने से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ही चल रहा है, इसको टच भी नहीं करता। तो ये एक आने वाले टाइम में एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल है, और यहाँ से बैंक निफ्टी आपको एक नया हाइस का लेवल आपको बनाता हुआ डेफिनेटली आपको दिखाई पड़ेगा। हो सकता है अगले आने वाले हफ्ते में ना दिखाई पड़े, लेकिन 3 से 4 हफ्ते में यानी कि एक महीने में आपको बैंक निफ्टी में नए हाइस लेवल आपको डेफिनेटली एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो गाइस मंडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में अगर ट्रेडिंग करने का है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके सीधे 15 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर, और यहाँ पर ये जो चार्ट पैटर्न बन रही है ये चार्ट पैटर्न मेरी फेवरेट चार्ट पैटर्न है, और ये चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं डेफिनेटली ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पर यानी कि जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब भी ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है, और डेफिनेटली ये चीज़ हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गाइस हम यहाँ पर आज की अगर बैंक निफ्टी में बात करें प्राइस एक्शन की, तो यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 4 घंटे का टाइमिंग है, 4 घंटे में आपको बैंक निफ्टी में खास ज़्यादा मोमेंटम होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन लास्ट के आप 1.5 घंटे में देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई पड़ा, और ये 44,000 का लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई पड़ी, और ये लास्ट की जो कैंडल बनी ये थोड़ी सी वीक कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मंडे के दिन हो सकता है मार्केट थोड़ी सी नीचे जा सकती है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद आपको बैंक निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगर मंडे के दिन आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हो तो एक बार मार्केट कहाँ पे ओपन होती है, अगर मार्केट इसके ये जो 44,000 का लेवल है इसके ऊपर अगर यहाँ कहीं पे अगर मार्केट ओपन होती है
तो आप इसके बाद तुरंत आप एक कॉल का प्रीमियम बाय कर सकते हो। आप चाहो तो 44,100 का भी ले सकते हो और 44,200 का भी आप स्ट्राइक प्राइसेस में ले सकते हो। लेकिन मार्केट यहाँ पर 44,000 के नीचे ओपनिंग कहीं पर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो डेफिनेटली आपको ये लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए और ये है 43,900 का लेवल। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगी फिर से आपको एक अप ट्रेंड में जाती हुई आपको मार्केट दिखाई पड़ेगी। अगर इस तरह से होता है तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही आती है तो ऊपर की साइड का यानी कि 44,000 का ये वाला लेवल का हमें कॉल बाय करने का है मंडे के दिन। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, इसके बाद मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी। तो यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आती है 43,900 के नीचे, यानी कि ये जो प्राइस हमें दिखाई पड़ रहा है ये लगभग 43,850 के आसपास है। यहाँ तक मार्केट आती है तो आपको डेफिनेटली 44,000 का एक कॉल का प्रीमियम आपको बाय करना चाहिए। और अगर आप चाहो तो इनको एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगले हफ्ते में हमें ऐसा लगता है कि मार्केट आपको पॉजिटिव मूड में ट्रेड करती हुई आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से आप मंडे के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। अब हम समझ लेते हैं फिन निफ्टी को कि मंडे के दिन आपको फिन निफ्टी में किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो हम यहां से चले जाते हैं सीधे फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो गाइस अब हम यहां पर फिन निफ्टी को भी एक बार समझ लेते हैं। तो हम आ चुके हैं सीधे फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर वन डे की कैंडल्स को लगाया हुआ है। और अभी आप फिन निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 19,400 पे, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखोगे तो फिन निफ्टी पहले जो ट्रेड कर रहा था यहाँ पर ये जो लेवल था 19,600 का, ठीक है। लेकिन लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन इनकी बनी ये बुलिश प्राइस एक्शन बनी। तो हो सकता है अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में या तो फिर अगले हफ्ते में ये जो लेवल है 19,600 का ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है और ये लेवल फिर से भी मार्केट यहाँ पर टच कर सकती है। ये ऊपर की साइड की बात है। नीचे की साइड की अगर मैं बात करूँ तो 19,200 का लेवल है। ये दोनों लेवल के बीच अगले आने वाले हफ्ते में आपको इनकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर आपको यहाँ से ऐसा लगता है कि फिन निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी फिन निफ्टी ये दोनों जो लेवल मैंने बताए हैं उसी के बीच घूमता रहेगा। हो सकता है यहाँ पर एक हफ्ता निकाल दे, एक महीना निकाल दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल जल्दी ना तो ऊपर की साइड ब्रेक करेगा ना तो नीचे की साइड ब्रेक करेगा। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल आप नोट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं कि अगर मंडे के दिन इसमें हमें ट्रेड करने का है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके सीधे यहाँ पर 15 मिनट के कैंडल्स के ऊपर और फिन निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आज के दिन थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई, इसके बाद इनका एक डाउन ट्रेंड चला और नीचे की साइड आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से इन्होंने एक बाउंस बैक लिया और इसके बाद ये यहाँ पर क्लोजिंग हुआ और ये जो लेवल है 19,400 का लेवल है। और ये लास्ट में ये जो कैंडल्स बनी ये बियरिश कैंडल्स है। तो हो सकता है फिन निफ्टी की मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो फिन निफ्टी ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन कहाँ तक जाएगा मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स बता दिया है, 19,600 का लेवल। इससे ऊपर जाता हुआ आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगा, वहाँ से आपको करेक्शन एक्सपेक्ट करनी चाहिए अगर फिन निफ्टी में हमें ट्रेड करने का है मंडे के दिन। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैट ओपनिंग होगी, ठीक है यहाँ पर। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो लेवल है वहाँ तक मार्केट डेफिनेटली आ सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 19,350 का लेवल है। तो जैसे वहाँ पर मार्केट आती है तो हमें इसके बाद आप चाहो तो 19,400 का एक कॉल को बाय कर सकते हो, या तो फिर आप थोड़ा दूर का स्ट्राइक प्राइस लेना चाहते हो तो 19,500 का भी आप स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो और वहाँ पर तक अगले हफ्ते में डेफिनेटली मार्केट जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये ट्रेड जो है आपका सही जाएगा, इसमें आपका प्रॉफिट भी
होगा, ये दोनों के दोनों ट्रेड आपके सही रहेगा। तो आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो गाइस ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फैन।